तो दोस्तों ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर रहते थे बॉलीवुड अभिनेता ओमपुरी साहब। जी हाँ दोस्तों, ओमपुरी साहब को आप सभी लोग जानते हो, वो मुंबई के इस बिल्डिंग में रहा करते थे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉप्स में। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली जिस एक्टर की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उनका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी मैं हूँ मुंबई में और मुंबई के खड़े हूँ वर्सोवा के 7 बंगले जगह पे। जी हाँ दोस्तों, 7 बंगले जगह पे। आप लोगों को पता है बहुत सारे बॉलीवुड स्टार और यानी कि एक्टर और एक्ट्रेस दोनों के घर हैं यहाँ पर, जिनमें से आज मैं जिनका घर दिखाने वाला हूँ, जिनकी वो बिल्डिंग दिखाने वाला हूँ जहाँ पे वो रहते हैं। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, बॉलीवुड के सुपर स्टार ओमपुरी साहब का मैं घर इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, किस अपार्टमेंट वो रहते थे, अभी वो हमारे सबके बीच में नहीं है। आप सबको पता होगा, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं, उन सबको पता होगा कि 66 साल की उम्र में, ठीक है, 18 अक्टूबर 1950 का उनका जन्म हुआ था अम्बाला पंजाब में, जो कि अब हरियाणा में है। और 2017 में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी दिल का दौरा पड़ने से। 66 वर्ष की उम्र में हमारे फिल्म इंडस्ट्री को और हम सबको छोड़कर अलविदा कह दिया, उन्होंने चले गए वो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, वो कहाँ पे रहते थे, मुंबई में वर्सोवा के 7 बंगलोज एरिया में, और अभी भी उनकी फैमिली आई होप यहाँ पे रहती होगी। लेकिन मुझे जो पता है कि इस घर में वो रहा करते थे 2017 में, जो है यहीं पे उन्होंने अपना अंतिम समय भी बिताया है। तो चलिए वो बिल्डिंग दिखाते हैं। और कौन कौन करता है ओमपुरी साहब से प्यार, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए उनके लिए, है ना। कौन कौन फिल्में उन्होंने देखी है, मैंने तो उनकी फिल्म देखी थी माला माल वीकली, क्योंकि आज भी जो टाटा स्काई है ना फ्री वाली, उस पर आज भी वो किसी न किसी चैनल पर माला माल वीकली आती रहती है। उसमें क्या किरदार किया था, क्या कॉमेडी की थी सर ने, वाह सलाम है। वैसे निगेटिव रोल भी काफ़ी किए हैं, लेकिन कॉमेडी भी उन्होंने खूब की है और सीरियस रोल भी उन्होंने खूब निभाए हैं। तो चलिए अब एक कैमरा को ऑन करते हैं, दिखाते हैं उस अपार्टमेंट को जहाँ पे वो रहते थे। तो गाइस, यहाँ पर जो हमारे सामने आप लोग चौराहा देख रहे हैं, इस चौराहे के अपोजिट साइड ही है दिव्या भारती का घर, जहाँ पर दिव्या भारती रहती थी, तुलसी अपार्टमेंट। और उसके जस्ट सामने से ये जो रास्ता जा रहा है गली, इस चौराहे से, इस गली में रहते हैं आगे ओमपुरी साहब, रहते थे सॉरी, उनकी जो है अभी डेथ हो चुकी है। और जिस बिल्डिंग में वो रहते थे उस बिल्डिंग को दिखाएंगे। वैसे तो ये सकरा रास्ता है, थोड़ा सा पतला भी है ना। और यहीं पर एक और एक्ट्रेस रहती है, उनका मुझे नाम नहीं याद रहा, ये जो बगल में बिल्डिंग दिख रही ना, बहुत पुरानी एक्ट्रेस हैं वो रहती हैं। लेकिन ये देखो बीच में इसको ब्लॉक करके रखा हुआ यार, क्योंकि यहाँ से कोई बाइक वाइक ना निकाल दे, इस वजह से इसको ब्लॉक करके रखा है यार। और चलते हैं सामने से, देखो ऑटो आ रहा, वही वाला, फिर से हमें जो है मेन वाला हाईवे मिल जाएगा जिस पे हमें जाना है, और जिस पे है ओमपुरी साहब का वो बिल्डिंग जहाँ पे वो रहा करते थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो पे, आप लोग अंत तक बने रहिएगा वीडियो पे। आप लोग बने नहीं रहते हो भाई, वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो मज़ा नहीं आता, देख लेते हो तो लाइक नहीं करते हो। सबसे बड़ी जो मेरी शिकायत है वो है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। बहुत स्लो सब्सक्राइबर आ रहे हैं इस टाइम पे, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत स्लो आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं त्रिशूल बिल्डिंग के बगल में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं त्रिशूल बिल्डिंग का नाम है, जहाँ पर ओमपुरी साहब रहते थे, अपने आखिरी समय जो है यहीं पे बिताया ओमपुरी साहब ने। ये देखिए, बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं, या किसी ने वीडियो बनाया है, या पता नहीं वीडियो किसी ने बनाया है या नहीं बनाया है, लेकिन मैं पहली बार वीडियो ये बना रहा हूँ। मैंने तो शायद अभी तक नहीं यूट्यूब पर देखा इनके घर का वीडियो, और आज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ओमपुरी साहब कहाँ पे रहते थे मुंबई के अंदर। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं ये वो बिल्डिंग जहाँ पे ओमपुरी साहब रहते थे, और बताते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ कहानियाँ, उनके जीवन से जुड़ी कुछ फिल्में जो उन्होंने करी हैं अपने जीवन में, और जिनसे अच्छा खासा नाम अपना बनाया, अपने अभिनय से लोहा मनवाया। तो चलिए भाई कैमरे को ऑन करते हैं, वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस बिल्डिंग का यानी कि इस अपार्टमेंट का नाम है त्रिशूल। त्रिशूल इस बिल्डिंग का नाम है, जिस पे लिखा हुआ है त्रिशूल कोऑपरेटिव लिमिटेड करके लिखना चाहिए, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। नीचे लिखा है रहेजा कॉम्प्लेक्स 7 बंगलोस नियर नाना नानी पार्क वर्सोवा मुंबई 6161 है 40-0-0-61 इसका यहाँ का पिन कोड है। और ये जो है त्रिशूल अपार्टमेंट की ये सेकेंड बिल्डिंग है, और फर्स्ट बिल्डिंग ये है। देखिए दो पार्ट में ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये है फर्स्ट बिल्डिंग यानी कि त्रिशूल 1 करके है, और ये है त्रिशूल 2 करके, लेकिन इसका पूरा नाम त्रिशूल रख दिया गया। यहाँ पे देखिए लिखा है रहेजा कॉम्प्लेक्स वर्सोवा
लेकिन इसका पूरा जो नाम है वो है त्रिशूल कोऑपरेटिव लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि यहीं पे उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया है इसी बिल्डिंग के अंदर, और आज भी उनकी फैमिली वाले यहीं पे रहते हैं। और इन्होंने जो है ब्रिटिश और अमेरिका सिनेमा में भी अपना योगदान दिया है। सोच लो, ब्रिटिश और अमेरिका सिनेमा में भी अपना योगदान दिया है, और इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। पद्मश्री हैं ये, और इनका जो पूरा नाम है ओम प्रकाश पुरी नाम इनका पूरा है। इनके पिता टेकचंद पुरी भारतीय सेना में थे, ठीक है। और इनके जो पसंदीदा अभिनेता हैं वो अमिताभ बच्चन को ये पसंद करते थे, अमिताभ बच्चन को लाइक करते थे। ओम प्रकाश पुरी नाम इनका है पूरा, लेकिन ओम पुरी जो इनका निक नेम है जो कि बॉलीवुड में अभी तक चला है। तो आप लोग देख सकते हो ये रही को सुन के वो बिल्डिंग जहाँ पे उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया हुआ है, ये देखिए। और इनकी शादी जो है वो ओमपुरी की शादी जो है नंदिता पुरी के साथ हुई थी, ये देखिए। तो गाइज, इनकी कुछ प्रसिद्ध मूवियों के बारे में बात कर लेते हैं जिनमें इन्होंने अपना बेहतरीन अभिनय दिया है। वैसे तो ये सभी की सभी फिल्मों में इन्होंने अपना बेहतरीन ही दिया है, लेकिन जो मूवी की सफल हुई और उनके नाम को उन मूवियों से जाना गया, जैसा कि इंडियन फिल्म में जो 2001 में आई थी उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया था। 2000 में आई फिल्म सिंह इज किंग में दिया था, नरसिम्हा में किया था 1991 में आई थी, 1990 में घायल फिल्म में, 2000 में हेरा फेरी में, गुप्त फिल्म में, ओ माई गॉड फिल्म में, डॉन 2 में, पुकार में, वेस्ट इज वेस्ट में, अग्निपथ में जो 2012 में आई थी, एक्टर इन लॉ में, चोर मचाए शोर में, और बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जैसे कि चुप चुपके में भी नज़र आए थे, कॉमेडी फिल्म थी, ट्यूबलाइट में नज़र आए थे सलमान खान के साथ 2017 में, आक्रोश फिल्म 1980 में आई थी उसमें आए थे, चाइना गेट में आए थे, गदर एक प्रेम कथा में भी आए थे 2001 में, है ना, बजरंगी भाईजान 2015 में आए थे, माला माल विकली 2006 में ये आए थे उस फिल्म में, और डर्टी पॉलिटिक्स 2015 में ये नज़र आए थे फिल्म में, है ना, आस्था फिल्म 1997 में आई थी उसमें नज़र आए थे। ये कुछ उनकी कुछ मूवियाँ हैं, सारी की सारी तो नहीं, लेकिन कुछ मूवियाँ हैं जिनमें इन्होंने अपना अभिनय दिया है और बॉलीवुड पर राज किया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो पंजाब के अम्बाला में जन्मे ओमपुरी साहब आज हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन उनकी कॉमेडी भरी मूवियों को आज भी हम लोग देखते हैं और हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। क्या कॉमेडी करते थे, क्या टाइमिंग थी, बहुत उम्दा दर्जे के वो कलाकार थे, अभिनेता थे, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से, अपने अभिनय से बॉलीवुड में अपना लोहा मनवाया है। जी हाँ दोस्तों, ये त्रिशूल बिल्डिंग है जहाँ पे उन्होंने अपना आखिरी समय बिताया है, और अभी वो 2017 से यानी कि 6 जनवरी 2017 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी जो है मृत्यु हो गई। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये जगह, वो प्लेस हमेशा लोगों को याद रहेगा जहाँ पे वो रहे हैं और अपनी आखिरी समय को बिताया है। दोस्तों फाइनली, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अभी ओमपुरी साहब का वो बिल्डिंग दिखाने आया था जहाँ पे वो रहते थे, त्रिशूल, जो कि हमारे पीछे ही है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, शाम के बज गए हैं 6, फिर भी हम वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि कहीं हमसे ये छूट ना जाए वीडियो, यानी कि ये जगह ना छूट जाए और आप लोग देखने से वंचित रह जाओ, है ना। कोशिश मैं वो कर रहा हूँ हीरो हीरोइन के घर दिखाने की जो शायद ही किसी ने दिखाया हो या बहुत कम लोगों ने दिखाया हो, है ना। तो ये ओमपुरी साहब का वो बिल्डिंग त्रिशूल जहाँ पर वो रहते थे अपने आखिरी समय में, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट कर देना वीडियो के थ्रू, जैसा कि आपको वीडियो में जो भी लगा हो उस हिसाब से आप कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में आएगा बेल आइकन दबाकर पे क्लिक कर देना, और इंस्टाग्राम पे अभी तक आप लोग फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर यूजरनेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।